जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि अनमोल कॉमर्शियल पार्क के श्यामजी स्टील एवं जेआर इंटरप्राइजेस गोडाउन में अनाधिकृत रूप से भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ बारूदी पटाखे रखे हुए हैं। वहीं सूचना पर क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाना पुलिस के द्वारा तहसीलदार के साथ मिलकर बताए गए स्थान पर दबिश देते हुए मौके पर 650 नग पटाखों से भरे कार्टून पाए गए, जहां पर मौके पर मिले मोहित राम राखवानी से लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई, जहां पटाखों के संबंध में लाइसेंस न होना पाया गया, जिसे जब्त करते हुए सघन पूछताछ में एक अन्य गोदाम में और पटाखे रखे होने की जानकारी मोहित ने दी। वहीं पुलिस ने जेआर इंटरप्राइजेस गोदाम में छापा मारा, जिसमें 750 नग पटाखों से भरे कार्टून पाए गए, जिसे जब्त कर अवैध रूप से पटाखा भंडारण के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं 1400 नग पटाखों की कीमत लगभग 19 लाख रुपए पुलिस के द्वारा बताई गई है। कल एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अनाधिकृत रूप से एक किसी ने घर लेकर उसमें पटाखे रखे हुए हैं, जिस पर कि कोई भी घटना दुर्घटना होने पे कोई बड़ी हानि हो सकती है, जिस पर माड़ोताल पुलिस क्राइम ब्रांच एवं जो तहसीलदार महोदय हैं उनके साथ जाके मौके का जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पता चला कि लगभग 1400 कार्टून में पटाखे भरे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ के हैं और जिससे कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो इस संबंध में उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के ये सब रिहायशी इलाकों में या कमर्शियल इलाके में बिना अनुमति के रखा था, जिनका कि नाम है मोहित राम रखानी। लगभग इसकी कुल पटाखों की कीमत 19 लाख रुपए आंकी जा रही है। अब जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो FIR होगी, उस पर की जाएगी। जिनकी गोडाउन में रखा था उनके ऊपर उनके ऊपर FIR पंजीबद्ध हुई है, राम रखवानी के ऊपर। और अब किसके नाम पे गोडाउन है, क्या लीज के पेपर है, उस पर विवेचना जारी है। इनका कुछ पिछला भी पकड़ा गया था, इस संबंध में भी पूछताछ जारी है।